कहता 811 के बीच 79 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये क्वेश्चन कहा है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 800 में भागा देंगे किससे, 79 से, ठीक है। इसे इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी 79 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यहां से अगर हम चेक करते हैं कि अगर आप चेक कीजिएगा तो ये 10 आएगा भागफल, 10 अप्रॉक्स आएगा। इसका भागफल अगर चेक कीजिए कितना आएगा, इसका आप भागफल लगाओ अप्रॉक्स 12 आएगा, ठीक है ना, 12 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या क्या को निकालने के लिए, संख्या क्या को निकालने के लिए 12 माइनस 10 और प्लस 1 यानी कितना, ये आपको अगर देखिएगा तो कितना हुआ, ये तीन गो ऐसी संख्याएं हैं, 800 और 1100 के बीच में तीन गो ऐसी संख्याएं हैं जो आपको किसे 79 से विभाज्य होगा। वो संख्या ये है, वही 79 इंटू कितना, इसके बाद जो अगला भागफल वाला आएगा, यानी 11 इंटू 79 इंटू 12 प्लस 79 इंटू कितना 13। तब इनको जोड़िएगा, 79 कॉमन लीजिएगा, 11 प्लस 12 प्लस 13 इनको कीजिएगा 79 इंटू, इसको अगर जोड़िएगा 3 2 5 एक कितना 6 1 2 और 3 36 और इस, ठीक है ना, और इनको अगर आप गुना कीजिएगा तो 9 6 के कितना होता है 54, यानी आपको 2844 आपका आंसर। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2844 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है, इसका क्या हुआ 2844 है, जो ऑप्शन नंबर बी से इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में भी कर चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े पुत्र को कितना दिया, हम मान लेते हैं तीन गो पुत्र, एक का नाम ए दूसरा बी तीसरा क्या है सी है, ए बी सी मतलब सी बड़ा है उससे छोटा ई, सबसे छोटा कौन है ए, हम मान लिए हैं। कहता सबसे बड़ा पुत्र को दिया कितना, तो ये दिया कहता कितना, सबसे बड़ा पुत्र को दिया 2500, सी को माने बड़ा तो 2500 दिया। उसके बाद फिर कहता है उसने अपने संपूर्ण संपत्ति का कितना 5/12 भाग कितना दूसरे पुत्र को दिया, दूसरा मतलब इसको दिया 5/12 भाग। अब सोचिए इसको दिया कितना 5/12 भाग, ना अकेले इसको दिया, इसका मतलब ये पूरे संपूर्ण संपत्ति का 1/2 भाग इसको मिला। क्वेश्चन कहने ये क्या है कि संपूर्ण संपत्ति का 1/2 भाग ए को मिला और बाकी 1/2 ये दोनों मिला करके मिला। तो इसको कितना मिला, तो इसको इतना मिला, इसमें से अगर इसको घटाइएगा ना जो प्राप्त होगा वो इसको मिला, यानी इसमें से अगर इसको घटाइए तो 1/2 माइनस 5/12 कीजिएगा, यह आएगा 1/12। 1/12 भाग का इसको दिया, 5/12 भाग इसको दिया और 1/2 इसको दिया। अब यहाँ से देखिएगा सी को कितना दिया 1/12 भाग, वैल्यू में कितना दिया 2500। कहने का ये है कि 1/12 भाग का ही मान कितना है, ये दे रखा है 2500, एक का मान होगा 12 × 2500 और ये हो गया कुल संपत्ति। एक का मतलब कुल 100% कुल संपत्ति, लेकिन कहा गया है ए को कितना, आंसर जो पूछा है ये पूछा है सबसे छोटे पुत्र को कितना दिया, तो सबसे छोटे वाला का 1/2 भाग दिया, कितना 1/2 दिया, इसका मतलब इसका 1/2 भाग, इसका 1/2 कीजिएगा 2 से कितना होगा 6 और 25 गुना 6 कीजिएगा तो होता है 150 और डुअल जो यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका 15000 आ जाएगा। ये सबसे छोटे पुत्र को कितना दिया गया, सबसे छोटे वाले पुत्र को 15000 की धनराशि दिया गया। इस क्वेश्चन का कहने का ये है, ठीक है ना, उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगर देखेंगे, देखिए तो कहता है 1000 प्रति सीढ़ी बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है, नहीं तो सोचिए तो 1000 अगर हम स्टार्टिंग में बनाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा देंगे तो 1000 इंटू एक्स खर्चा करेंगे। उसके बाद अब आपको यदि जेड का मान ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो 1000 तो निकाल चुके हैं तो बचा कितना इस जेड के पीछे, तो जेड के पीछे बचा है जेड माइनस 1000, इतना बचा हुआ। अब इतना बनाने के लिए 1000 के बाद जो बच गया वो इसमें खर्चा होता है, एक के लिए वह रुपया इतना के कितना हुआ, इतना रुपया कुल खर्च यदि जोड़ देंगे तो इसमें कुल खर्च निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो यहाँ से निकलेगा यह कुल खर्च और इसको जोड़ते हैं ये होगा कि देखिए कितना 1000x प्लस ये yz माइनस 1000y, इससे और इससे 1000 कॉमन ले लीजिए,
यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से माइनस वाई, ये प्लस वाई जेड, ये बच जाएगा, ये होगा कुल खर्च। ये कुल खर्च करने का मतलब 1000 इसमें नहीं है, 1000 एक्स में स्वाय प्लस वाई जेड, ये ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, 1000 के लिए खर्चा मान लीजिए इतना, और अब 1000 से बाद बच गया कितना, तो बच गया कितना वो निकालने के क्या करेंगे, बच गया जेड मतलब ज़्यादा में से कम, इतना में से 1000 घटा देंगे जो बच गया उसके लिए वाई रुपये पड़ती, तो ये इतना टोटल खर्चा, इतना प्लस इतना टोटल खर्चा इतना, और इसको सॉल्व किए तो कुल खर्च यहाँ से निकल जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए, आगे हम लोग मिलते कल, और आज शाम में फाउंडेशन बैच चलेगा शाम में 7 बजे। ठीक है, जितने नए स्टूडेंट्स को जोड़ दीजिएगा।